दोस्तों आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि आप अपने स्मार्टफोन से यूट्यूब चैनल को कैसे बनाएं, और आने वाली कुछ वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप यूट्यूब पर वीडियो के लिए थंबनेल कैसे बनाएं, यूट्यूब के लिए वीडियो कैसे बनाएं, आपको वीडियो बनाने के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत होगी, और वीडियो को कैसे एडिट करते हैं, और वीडियो को फर्स्ट बार यूट्यूब पर अपलोड कैसे करते हैं, उसके लिए टाइटल, डिस्क्रिप्शन, टैक्स कैसे लगाते हैं, मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई कब करते हैं, आपको क्या क्या करना होगा, कैसे करना होगा, आगे वाली कुछ वीडियो में आपको बताऊंगा। तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बगल में बेल आइकन पर प्रेस करके नोटिफिकेशन ऑल पर भी क्लिक कर दीजिए, जिससे फ्रेंड जैसी मेरी वीडियो आएंगी तो आप मेरी वीडियो सबसे पहले देख सकेंगे। और फ्रेंड्स अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को भी लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और आपके मन में कोई क्वेश्चन हो तो मुझसे कमेंट करके ज़रूर पूछ लीजिए। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आदिल, आप देख रहे हैं टेक्निकल आदिल। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। यूट्यूब चैनल बनाने के लिए सबसे पहले आपको अपने स्मार्टफोन में क्रोम ब्राउज़र को ओपन करना है। उसके बाद फ्रेंड्स यहां पर आपको सर्च वाले ऑप्शन में आना है और यहां पर सर्च करना है gmail.com। जैसे ही आप ये सर्च करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरीके का यूज़र इंटरफेस आएगा। अब यहाँ पर आपको देखिए ऊपर 3 डॉट दिखेंगे, इस पर आपको क्लिक करना है और इसको डेस्कटॉप साइट पर लगा लेना है। उसके बाद फ्रेंड्स आपको देखिए सबसे ऊपर यहाँ पर एक क्रिएट एन अकाउंट ऑप्शन नज़र आ रहा होगा, इस पर आपको क्लिक करना है तो आपके सामने कुछ इस तरीके का यूज़र इंटरफेस आएगा। सबसे पहले यहाँ पर आपको अपना फर्स्ट नेम डालना है, उसके बाद लास्ट नेम डालना है। फर्स्ट नेम मैं डाल देता हूँ जैसे आदिल, उसके बाद लास्ट नेम मैं डाल देता हूँ चैनल मलिक। उसके बाद फ्रेंड्स आपको यहाँ पर अपना यूज़र नेम डालना है जीमेल आईडी का, तो फ्रेंड्स मैं अपना यूज़र नेम डाल देता हूँ आदिल मलिक 01। जैसे मैंने ये डाला तो फ्रेंड्स ये इसमें लिख कर आ रहा है डेट यूज़र नेम इज़ टेकन ट्राई अनदर, यानी ये जो यूज़र नेम है वो ऑलरेडी लिया जा चुका है, किसी और ने ले लिया है, हम इसको ट्राई नहीं कर सकते, आपको कोई दूसरा डालना होगा। तो फ्रेंड्स मैं अपने पास से दूसरा डाल देता हूँ, जैसे 09778 डाल दिया, उसके बाद तीर पर क्लिक कर दिया। तो फ्रेंड्स ये यूज़र नेम है ये लिया नहीं जा चुका है, तो इसलिए यहाँ पर कुछ लिखकर नहीं आ रहा है। उसके बाद फ्रेंड्स आपको यहाँ पर अपना पासवर्ड डालना है, फिर इसको कंफर्म करना है, उसके बाद नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। अब आपके सामने कुछ इस तरीके का पेज ओपन होगा, यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर डालना है और फ्रेंड्स यहाँ पर एक ईमेल एड्रेस डालना है, ये ऑप्शनल है। यहाँ पर जैसे आपका पासवर्ड भूल गए हैं तो या फिर ईमेल आईडी भूल गए हैं तो यहाँ पर ईमेल को रिकवरी करने के लिए इसकी ज़रूरत पड़ सकती है, आप चाहें इसको छोड़ भी सकते हैं, ये ऑप्शनल है। फ़ोन नंबर डालने के बाद यहाँ पर आप फ्रेंड्स अपना डे चूज़ कर लीजिए, आप किस तारीख को पैदा हुए थे, फिर उसके बाद मंथ चूज़ कर लीजिए, फिर उसके बाद ईयर को चूज़ कर लीजिए। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर आप अपना जेंडर चूज़ कर लीजिए जो भी हो, उसके बाद नेक्स्ट पर क्लिक कर दीजिए। जो आप भी आपने मोबाइल नंबर डाला है तो आपके सामने वो मोबाइल नंबर लिख कर आ जाएगा, और आपके सामने देखिए एक सेंड का ऑप्शन नज़र आएगा, इस पर आपको क्लिक करना है। तो जो आपने मोबाइल नंबर डाला है उस पर एक OTP आएगा 6 डिजिट का, उस OTP को यहाँ पर डालना है वेरिफिकेशन के लिए, और वेरीफाई पर क्लिक कर देना है। OTP आ चुका है, हम डाल देते हैं 20 14 31, उसके बाद वेरीफाई पर क्लिक कर देना है। तो फ्रेंड्स आपके सामने यहाँ पर इस तरीके का ऑप्शन आ जाएगा, यहाँ पर यस आई एम इन पर आपको क्लिक करना है, फिर नीचे स्क्रॉल करना है और आई एग्री पर क्लिक करना है। अब फ्रेंड्स आप अब इस जीमेल आईडी को अपने जीमेल एप्लीकेशन में भी ओपन कर सकते हैं। अब आपको करना क्या फ्रेंड्स, आपको इसको कट कर देना है। सबसे पहले आपको अपने स्मार्टफोन में सेटिंग्स में आना है, उसके बाद फ्रेंड्स सेटिंग्स में आने के बाद आपको ऐप मैनेजमेंट में जाने के बाद डिफ़ॉल्ट ऐप पर क्लिक करके यहाँ पर जो ब्राउज़र ऐप लिखा है इसको क्रोम पर लगा देना है। ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है अगर आप अपने स्मार्टफोन में यूट्यूब चैनल को क्रिएट कर रहे हैं और इसी पर काम कर रहे हैं। तो अब दोबारा से आपको अपने स्मार्टफोन में क्रोम ब्राउज़र को ओपन करना है, और यहाँ पर आने के बाद आपको सर्च करना है youtube.com। तो आपके सामने कुछ इस तरीके का पेज ओपन होगा। अब आपको ऊपर 3 लाइन पर
डॉट लिख गए हैं, इस पर आपको क्लिक करना है और डेस्कटॉप साइट पर इसको लगा लेना है, तो आपके सामने कुछ इस तरीके का पेज ओपन होगा। अब फ्रेंड्स आपको सबसे ऊपर आपके चैनल का आइकन दिखेगा, यहाँ पर आपको क्लिक करना है, तो आपके सामने नंबर फर्स्ट पर एक ऑप्शन आएगा जिस पर लिखा होगा क्रिएट अ चैनल का, इस पर आपको क्लिक कर देना है, तो आपके सामने कुछ इस तरीके का इंस्ट्रक्शन सामने आएगा। यहाँ पर आपका देखिए नाम लिखा होगा जो आपने अपने जीमेल अकाउंट में डाला है, अगर आप यही अपने चैनल का नाम रखना चाहते हैं तो यहाँ पर लिखा रहने दीजिए, अगर आप ये नहीं रखना चाहते तो इस पर क्लिक करके जो आप रखना चाहते हैं वो लिख दीजिए। उसके बाद लिखने के बाद आपको यहाँ पर क्रिएट अ चैनल का ऑप्शन नजर आएगा, तो यहाँ पर क्रिएट अ चैनल पर क्लिक, क्रिएट चैनल पर आपको क्लिक कर देना है। तो अब आपके सामने इस तरीके का पेज ओपन होगा, आपका चैनल बन चुका है। अब फ्रेंड्स यहाँ पर आपको देखिए अपनी प्रोफाइल लोगो लगाना है, चैनल बैनर लगाना है, तो आपको करना क्या होगा, आपको यहाँ पर देखिए सबसे ऊपर एक कस्टमाइज चैनल का ऑप्शन नजर आ रहा होगा, देखिए ये वाला, इस पर आपको क्लिक करना है। इस पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने देखिए कुछ इस तरीके का पेज ओपन होगा। अब यहाँ पर इस पेज पर आने के बाद आपको देखिए नंबर दो पर एक ऑप्शन नज़र आएगा जिस पर लिखा होगा ब्रांडिंग, इस पर आपको क्लिक करना है। तो आप जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे तो फ्रेंड्स यहाँ पर सबसे पहला आपको ऑप्शन नज़र आ रहा है अपलोड अ लोगो, जिसका साइज 4 MB तक होना चाहिए, अगर इससे ज़्यादा है तो ये अपलोड नहीं होगा। लोगो कैसे बनाना है इस पर मैं वीडियो अलग से बना चुका हूँ, उसमें पूरा ट्यूटोरियल मैंने आपको बताया है कि आपको कैसे प्रोफेशनल लोगो बनाना है अपने यूट्यूब चैनल के लिए। उस वीडियो का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, ऊपर आई बटन पर भी दे दूँगा, लेकिन मैं आपको आज की इस वीडियो में भी बताऊँगा कि लोगो कैसे बनाएं, लेकिन आज मैं जल्दी वाला बताऊँगा। तो उसके लिए आपको करना क्या है, अपने स्मार्टफोन में पिक्सआर्ट एप्लीकेशन है, इसको डाउनलोड कर लेना है, इंस्टॉल कर लेना है प्ले स्टोर से, और उसके बाद इसको ओपन करना है। तो आपके सामने कुछ इस तरीके का पेज ओपन होगा, इस ऐड आएगा, स्किप कर देना। यहाँ पर आपको एक प्लस का आइकन दिखेगा, प्लस के आइकन पर आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद एडिट अ फोटो का ऑप्शन मिलेगा, इस पर आपको क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर आपको देखिए बैकग्राउंड का ऑप्शन नज़र आ रहा होगा, बैकग्राउंड पर आपको क्लिक कर देना है। अब ऊपर यहाँ पर आपके कई सारे बैकग्राउंड आ जाएंगे, इसमें से कोई भी एक बैकग्राउंड को चूज़ कर लीजिए, जैसे मैं ग्रीन को चूज़ कर लेता हूँ। उसके बाद आपको यहाँ पर देखिए नीचे इसको स्लाइड करेंगे तो आपको एक ऑप्शन मिलेगा टेक्स्ट का, इस पर टेक्स्ट वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है और अपने चैनल का फर्स्ट कैपिटल लेटर यहाँ पर लिख देना है। तो मेरे चैनल का फर्स्ट कैपिटल लेटर है ए, उसके बाद यहाँ पर ऊपर आपको सही कर देना है, सही के निशान पर टिक कर देना है। अब यहाँ पर देखिए आपको कई सारे फॉन्ट मिल जाएंगे, ये बहुत सारे फॉन्ट दिए गए हैं, जो भी आपको फॉन्ट पसंद हो यहाँ से आप चूज़ कर लिए, जैसे मैं ये है, जैसे ये वाला मैं इसको चूज़ कर लेता हूँ। उसके बाद स्ट्रोक का ऑप्शन है, मैं स्ट्रोक कर लेता हूँ वाइट पर, रंग पर क्लिक करके यहाँ पर। अब आपको अपने हिसाब से इसका साइज़ बढ़ा लेना है और यहाँ पर सेट कर देना है। उसके बाद आपको ऊपर सही के निशान पर टिक कर देना है, फिर से आपको टेक्स्ट पर क्लिक करना है, और उसके बाद यहाँ पर अपने चैनल का लास्ट नेम का फर्स्ट कैपिटल लेटर लिख देना है, तो मैं लिख देता हूँ। उसके बाद आपको सही पर टिक कर देना है, फिर से आप यहाँ से कोई भी अपना एक फ़ॉन्ट चूज़ कर लिए, जो भी आपको करना हो। तो चलिए मैं फ़ॉन्ट चूज़ कर लेता हूँ। उसके बाद आपको स्ट्रोक अगर आप लगाना चाहें लगा सकते हैं, नहीं लगाना चाहें नहीं लगा सकते हैं। तो फ्रेंड्स मैं उसको भी आपको अपने हिसाब से साइज़ का सही से रख लेना है, जो भी आप रखना चाहें इसका साइज। इतना करने के बाद आपको सही पर ऊपर टिक कर देना है। अब यहाँ पर आपको इधर स्लाइड करेंगे तो आपको नंबर दूसरे पर एक टूल्स का ऑप्शन मिलेगा, इस पर आपको क्लिक करना है। फिर तीसरे नंबर पर सबसे पहले ऑप्शन में शार्प क्रॉप का ऑप्शन मिलेगा, इस पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर कई सारे आइकन शो हो जाएंगे, जो भी आपको आइकन पसंद हो उस आइकन को आपको यहाँ से चूज़ कर लेना है। जैसे मैं ये आइकन चूज़ कर लेता हूँ, मैंने ये आइकन चूज़ कर लिया। उसके बाद फ्रेंड्स आपको करना क्या होगा, ऊपर तीर के निशान पर आपको क्लिक करना है। फिर यहाँ पर फ्रेंड्स आप इसमें स्ट्रोक भी लगा सकते हैं, अगर आप लगाना चाहें किसी भी कलर में, तो मैं ये कलर वाइट कलर चूज़ करूँगा, मैंने स्ट्रोक लगा लिया है। अब आपको ऊपर सेव का ऑप्शन मिलेगा, इस पर आपको क्लिक कर देना है, और सेव पर क्लिक करने के बाद आपके सामने इस तरीके का पेज ओपन होगा।
अब इसको गैलरी में सेव करने के लिए आपको यहाँ पर देखिए ऊपर तीर का निशान दिखेगा, इस पर आपको क्लिक कर देना है, ऐड आएगा, इसको आप कट कर दीजिए और यहाँ पर आपको नंबर 2 पर एक गैलरी का ऑप्शन नज़र आएगा, इस पर आप क्लिक कर दिए तो ये जो लोगो है आपकी गैलरी में सेव हो गया है। अब आपको करना क्या है, वापस से अपने स्मार्टफोन में क्रोम ब्राउज़र में आपको जाना है, तो आप डायरेक्टली इसी पेज पर आ जाएंगे। अब यहाँ पर आपको देखिए पहले ऑप्शन में अपलोड का ऑप्शन नज़र आएगा, इस पर आपको अपलोड वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है और आपके जो गैलरी में ये जहाँ पर भी लोगो सेव हुआ है उसको वहाँ से जाकर इसको सिलेक्ट कर लेना है। तो मैंने देखिए ये लोगो ऑलरेडी पहले से बना लिया था, इसलिए मैं इसको यहाँ से चूज़ करी, मैंने यहाँ पर आपको बना के दिखाया कि कैसे बनाना है। तो देखिए फ्रेंड्स ये मैंने बना लिया, अब आपका ये एक सर्कल आएगा, इसके अंदर लोगो बन के आ जाएगा, तो इतना ही आपका लोगो इसमें शो होगा। इसके बाद आपको करना क्या है, यहाँ पर डन का ऑप्शन मिलेगा आपको लास्ट में, देखिए यहाँ पर आपको डन पर क्लिक कर देना है, तो आपका जो लोगो है इसमें लग चुका है। अब आपको करना क्या है, यहाँ पर ऊपर एक पब्लिश का ऑप्शन नज़र आएगा ब्लू रंग में, इसमें पब्लिश के ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है, तो ये जो पब्लिश के ऑप्शन पर आप क्लिक कर देंगे तो आपका ये लोगो है इसमें सेव हो जाएगा। अब दूसरे नंबर पर बात आती है गाइज, इसमें यहाँ पर चैनल बैनर आपको लगाना है, चैनल बैनर के लिए आपको करना क्या होगा, आपको अपना कट करना है, प्ले स्टोर में जाना है और प्ले स्टोर में जाने के बाद आपको कैनवास इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है, इंस्टॉल कर लेना है। इसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, यहाँ पर देखिए इस तरीके की ये एप्लीकेशन होगी। अब इस एप्लीकेशन को जैसे ही आप ओपन करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरीके का यूज़र इंटरफेस आएगा। अब यहाँ पर आपसे ये देखिए साइनअप करने को बोलेगा, आप यहाँ पर अपने किसी भी गूगल अकाउंट से और फेसबुक से इसमें लॉगिन कर सकते हैं। तो चलिए हम यहाँ पर गूगल अकाउंट से साइनअप करते हैं, तो साइनअप पर हम क्लिक करते हैं तो आपके सामने आपके जीमेल अकाउंट चूज़ करने को वो बोलेगा, जिस जीमेल अकाउंट से आपने अपना चैनल बनाया उससे आप इसको लॉगिन कर लीजिए, उस पर क्लिक कर दिए तो डायरेक्टली आप इसमें लॉगिन हो जाएंगे और आपके सामने कुछ इस तरीके का पेज शो होगा। अब यहाँ पर देखिए आपके सामने इस तरीके का पेज आ जाएगा, यहाँ पर आपको एक सर्च का ऑप्शन दिखेगा सबसे ऊपर, इस पर आपको क्लिक करना है और यहाँ पर टाइप करना है YouTube चैनल आर्ट, तो आपके सामने देखिए यहाँ पर नंबर फर्स्ट पर लिखकर आ जाएगा YouTube चैनल आर्ट, इस पर आपको क्लिक कर देना है, तो आपके सामने जो भी YouTube पर चैनल आर्ट होंगी वो सब यहाँ पर शो होने लगेंगी, जो आपको पसंद हो वो यहाँ से इसमें से आप उस YouTube चैनल आर्ट को चूज़ कर लीजिए। अब फ्रेंड्स देखिए यहाँ पर ये जो चैनल आर्ट है ये मुझे बहुत पसंद है, अब आपको अगर जो भी पसंद हो उस पर आपको क्लिक करना है तो आपके सामने कुछ इस तरीके का पेज ओपन होगा। अब यहाँ पर इसको एडिट करने के लिए आपको देखिए ये जो लिखा हुआ है इन दी वाइल्डनेस, इस पर आपको डबल टैप करना है तो आपके सामने कीबोर्ड ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर आपको अपने चैनल का नाम डाल देना है, जो भी आपके चैनल का नाम हो, चैनल का नाम डालने के बाद आपको इस तरीके से टैप कर देना है तो आपके सामने इस तरीके का पेज ओपन होगा। अब यहाँ पर आपको करना क्या है, इसको सेव करने के लिए आपको देखिए ऊपर एक डाउनलोड का ऑप्शन नज़र आएगा, ऊपर तीर बना है, इस पर आपको क्लिक करना है, यहाँ पर आपको एक ऑप्शन नज़र आएगा जिसमें लिखा होगा सेव एज, इस पर आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पर अब आपको देखिए नीचे डाउनलोड का ऑप्शन मिलेगा, इस पर आपको क्लिक करना है तो आपके सामने ये प्रीपेयरिंग चलने लगेगी, जैसी ये कंप्लीट हो जाएगी तो आपकी जो गैलरी है उसमें ये आपकी चैनल आर्ट है उसमें सेव हो जाएगी। अब देखिए फ्रेंड्स ये आपसे कुछ परमिशन मांगेगा इसको सेव होने के लिए, इसको फर्स्ट बार अलाउ कर दिए तो आपको ये हमेशा सेव हो जाएगा। अब आपके ये जो ये चैनल आर्ट है आपकी गैलरी में सेव हो चुकी है। अब आपको करना क्या है, कट कर देना है यहाँ से और आपको वापस से अपने अपने गूगल क्रोम में चला जाना है उसी पेज पर। यहाँ पर अब फ्रेंड्स आपको देखिए चैनल आर्ट के सामने एक अपलोड का ऑप्शन नज़र आएगा, अपलोड पर आपको क्लिक कर देना है तो आपके सामने फिर से ब्राउज ओपन होगा, यहाँ से आपकी देखिए गैलरी में फाइल सेव हो जाएगी, मेरी सेव हो चुकी है, इस पर आपको फाइल पर क्लिक कर देना है तो आपके सामने देखिए कुछ इस तरीके का पेज ओपन होगा, यहाँ पर आपका जो चैनल का नेम है वो बनकर आ जाएगा और इस तरीके का इसमें पीछे बैकग्राउंड होगा, ये पूरा बनकर आ गया है। अब यहाँ पर आपको देखिए लास्ट में एक डन का ऑप्शन नज़र आएगा, डन पर आपको क्लिक कर देना है तो ये चैनल आर्ट है आपके मोबाइल में आपके YouTube चैनल में लग चुकी है। अब आपको करना क्या है, चैनल बैनर लगने के बाद आपको ऊपर पब्लिश का ऑप्शन मिलेगा, पब्लिश पर आपको क्लिक कर देना है तो ये जो चैनल बैनर है आपके YouTube चैनल में सेव हो जाएगा। इतना करने के बाद अब फ्रेंड्स आपको देखिए यहाँ पर बेसिक इन्फो का ऑप्शन नज़र आएगा, इस पर आपको क्लिक करना है और यहाँ पर देखिए नंबर फर्स्ट पर ही एक
बॉक्स बना हुआ है, इस पर आपको क्लिक करना है और डिस्क्रिप्शन लिखना है। डिस्क्रिप्शन क्या लिखना है मैं आपको लिख के बताता हूँ। तो दोस्तों आपको डिस्क्रिप्शन में लिखना क्या है, हेलो गाइस वेलकम टू अवर चैनल। गाइस आपको मेरे चैनल पर जैसे आप जो भी जिससे रिलेटेड वीडियो बना रहे हैं ये इसमें की वीडियो आपको देखने को मिलेंगी और मुझे उम्मीद है आपको वीडियो ज़रूर पसंद आएगी। और जो आप अपने तरफ से चाहें वो भी इसमें डिस्क्रिप्शन में ऐड कर सकते हैं। आप अपना कॉन्टैक्ट नंबर भी उसमें ऐड कर सकते हैं, अपने ईमेल आईडी भी उसमें कॉन्टैक्ट के लिए ऐड कर सकते हैं। और फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए, उसके बाद लिखने के बाद अब आपको देखिए आपका ये चैनल URL आ जाएगा। अब यहाँ पर जैसे आपको अपने फेसबुक इंस्टाग्राम ट्विटर का लिंक इसमें ऐड करना है, आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अबाउट वाले ऑप्शन में जाते हैं जब आपको दिखता है तो यहाँ पर आपको ऐड लिंक का ऑप्शन मिलेगा। इस पर आपको क्लिक करके यहाँ पर टाइटल लिखना है लिंक का कि आप किससे रिलेटेड डालना चाहते हैं। जैसे मैं फेसबुक का डालना चाहता हूँ तो मैंने फेसबुक डाल दिया। उसके बाद यहाँ पर देखिए एंटर URL का ऑप्शन दिख रहा होगा, यहाँ पर URL पर क्लिक करके आप अपने फेसबुक का URL डाल दीजिए और यहाँ से आप जैसे ही पब्लिश पर क्लिक कर देंगे तो आपका जो फेसबुक का अकाउंट है इससे लिंक हो जाएगा। जैसे ही आपके लिंक पर वो क्लिक करें तो आपके डायरेक्टली फेसबुक इंस्टा ट्विटर के पेज पर पहुंच जाएगा और आपको फॉलो कर सकेगा। फ्रेंड्स ये कैसे करना है, आपको URL कहां से लाना है, कैसे डाउनलोड करना है, मैं इस पर अलग से वीडियो बनाऊंगा, तभी आप उस वीडियो में देख लेना और यहां पर आके ऐड कर लेना। अब फ्रेंड्स आपको करना क्या है, अभी मैं ये आपको नहीं बताता हूं कि आपको लिंक ऐड कैसे करना है। अब आपको डिस्क्रिप्शन लिखने के बाद आपको यहां पर देखिए पब्लिश का ऑप्शन मिलेगा, इस पर आपको पब्लिश के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। और देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर एक सबसे लास्ट में एक कॉन्टैक्ट इन्फो दिख रहा है, इसमें यहाँ पर आप अपने ईमेल एड्रेस भी डाल सकते हैं। अगर आपको जैसे कोई भी आपका यूट्यूबर है मतलब सब्सक्राइबर है वो आपसे कॉन्टैक्ट करना चाहेगा तो वो इस ईमेल पर आपसे कॉन्टैक्ट कर लेगा। और उसके बाद आपको ऊपर यहाँ पर कोने में पब्लिश का ऑप्शन दिखेगा, इस पर आपको क्लिक कर देना है। अब इतना करने के बाद फ्रेंड देखिए आपको अपने चैनल का ऊपर लोगो देखने को मिलेगा सबसे लास्ट में, ये देखिए यहाँ पर। अब आपको अपने चैनल के लोगो पर क्लिक करना है तो आपके सामने देखिए नंबर फर्स्ट पर एक योर चैनल का ऑप्शन नज़र आएगा, इस पर आपको क्लिक कर देना है। तो अब फ्रेंड्स आपको यहाँ पर मैं दिखाता हूँ कि आपका चैनल दिखने में कैसे लगेगा। अब देखिए यहाँ पर देखिए आपका जी चैनल का नेम लिख कर आ गया है, यहाँ पर सब्सक्राइब का बटन लिख कर आ गया है और यहाँ पर देखिए एक आपका जो चैनल का आपने लोगो लगाया है वो लग कर आ गया और जो आपने चैनल बैनर लगाया है वो इस तरीके का आ गया है। तो आपका जो चैनल है आप जैसे ही आपके चैनल पर कोई ओपन करेगा तो इस तरीके का दिखेगा। यहाँ पर वीडियोस वाले सेक्शन में जाएंगे तो आपकी जो भी वीडियोस होंगी यहाँ पर आपकी आ जाएंगी, सभी प्लेलिस्ट आ जाएंगी यहाँ पर, जो भी आपकी प्लेलिस्ट होंगी यहाँ पर, जो भी आपने चैनल को सब्सक्राइब किया होगा वो आपके चैनल्स आ जाएंगे। अबाउट में जाएंगे तो आपका देखिए इस तरीके से डिस्क्रिप्शन लिखा आएगा और ये आपका जो है यूट्यूब चैनल का URL है मोर इन्फो में। ये यहाँ पर आप कॉन्टैक्ट वॉन्टैक्ट देंगे जब ना, जो भी फेसबुक जैसे फेसबुक का URL, इंस्टा का URL वो सब यहाँ पर आ जाएगा। तो गाइस अब आपका जो YouTube चैनल है ये बनके तैयार हो चुका है। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे से कमेंट करके पूछ सकते हैं। और फ्रेंड्स आपको कोई पर्सनली क्वेश्चन करना हो, मुझसे बात करनी हो तो आप ट्विटर इंस्टा और फेसबुक का लिंक मैंने आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, वहाँ से जाकर आप मुझसे पर्सनली बात भी कर सकते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन पर प्रेस करके नोटिफिकेशन ऑल पर क्लिक कर दीजिए। तो फ्रेंड्स मिलते हैं इसी तरह की नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद।